हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस डिस्कशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग वेरी वेरी क्रूशल। मैंने इस बारे में पहले भी बात की है इन वन ऑफ माय अर्लियर वीडियोस वेर आई हैड टॉक्ड अबाउट यू नो परसिस्टेंस, कि परसिस्टेंट लोग ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जेई एंड नीट वगैरह में। अब उस थीम को कंटिन्यू करते हुए एक और डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। यू नो क्या होता है कि एक सवाल दिमाग में यहाँ से आता है कि कौन लोग परसिस्टेंट होते हैं और कौन परसिस्टेंट नहीं होते, उनके परसिस्टेंट होने या नहीं होने के पीछे कारण क्या होते हैं, व्हाट आर द रीजंस, यू नो लाइक व्हाई सम पीपल आर परसिस्टेंट एंड व्हाई सम आर नॉट। तो आई थॉट इसके बारे में थोड़ा एक डिस्कशन हो जाए। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये जो साइकी है, ये जो मैंटेलिटीज़ हैं, इनको समझने लगते हैं तो आपके पास फिर टूल्स मिलने के चांसेस रहते हैं टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। अब देखो, व्हाई सम पीपल आर परसिस्टेंट एंड व्हाई सम आर नॉट, इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है। बिल्कुल बचपन से लेके और क्लास 9-10 तक आते आते हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है आपको सिखाता है कि परफेक्शन में मार्क्स लेकर आइए, अगर आपके परफेक्ट किस्म के मार्क्स नहीं हैं तो फिर आप सही नहीं हैं, तो आप 95-98% नहीं ला रहे हैं तो फिर आप में कुछ कमी है, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हो रही है, आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें आपको यू नो दिमाग में बैठ जाती हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ingrained in you। दूसरी बात ये है कि ये पूरी पढ़ाई लिखाई में आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है, आपको केवल ये बताया जाता है कि आप ये सब मेमोराइज करके एग्ज़ाम में रिगर्गिटेट कर दीजिए, एग्ज़ाम में यू जस्ट राइट डाउन ऑल ऑफ दिस स्टफ़ एंड यू विल गेट योर मार्क्स, यू विल गेट योर whatever 95% 100% and you know you will live happily ever after. Lekin this creates some interesting problems. You know, I have actually seen ke even mathematics jaisa subject jahan critical thinking ki zarurat hoti hai, science mein critical thinking ki zarurat hoti hai, lekin in subjects ko bhi aap rat rat ke hi karte hain kyunki ऐसा ही आपको सिखाया जाता है। दैट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है इसमें, आपको ऐसा ही सिखाया जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ टॉट इन आवर स्कूल्स, वो ऐसे किया जाता है मैथमेटिक्स में और साइंस में, ऐसा कैसे करते हैं, आपको बताया जाता है कि इस टॉपिक में ये फाइव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन इस तरीके से किया जाता है, सेकेंड टाइप का इस तरीके से, थर्ड टाइप का इस तरीके से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको क्वेश्चंस के टाइप्स से एक्सपोज किया जाता है और आपको उन सभी के सॉल्यूशंस भी बता दिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो ये भी तो रटा रटाई है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स रट कर एग्ज़ाम देने जाते थे और क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल कभी डेवलप ही नहीं होता था। अब जब आप नीट या जेई एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम, यू नो देन यू आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स, तब आपको चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की आदत नहीं होती है, नए तरीके का क्वेश्चन तो सॉल्व करने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है क्योंकि आप तो वो 6 टाइप के क्वेश्चन ही रटते रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन आता है, अब जेई नीट इनमें तो सारे नए क्वेश्चन होते हैं, चाहे बड़े आसान हो लेकिन नए क्वेश्चंस होते हैं, तो नए क्वेश्चंस हैं, इफ़ दे आर न्यू क्वेश्चंस दैट यू आर डीलिंग विद, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप नए क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सोचने के बारे में ट्रेनिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको नहीं देता है। अब यू आर फेस्ड विद क्वेश्चंस, आपको जो पहला ही असाइनमेंट दिया जाता है, जेई नीट की तैयारी आप शुरू करते हैं, पहला ही असाइनमेंट या पहला ही टेस्ट, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप नहीं भी कर पाते हैं,
में भी आपको 100 क्वेश्चन दिए गए तो 60 हो गए, 40 नहीं हुए। अब आपने इस चीज़ को हैंडल करना कई लेवल्स पे नहीं सीखा। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, इसलिए काफ़ी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, और दूसरा आपने इस तरह का फेलियर कभी देखा ही नहीं है। तो क्योंकि फेलियर को हैंडल करने की कोई आदत नहीं है, फेलियर को हैंडल करना आपने सीखा ही नहीं है, यू नेवर रियली लर्नड टू हैंडल फेलियर। मेरी जब किसी भी बैच में पहली क्लास होती है तो मैं बच्चों से उनका नाम, उनका स्कूल पूछता हूँ, और तीसरी चीज़ हमेशा ये पूछता हूँ कि ज़रा ये बताइए कि आपकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर क्या है। तो ज़्यादातर बच्चे कोई कॉन्क्रीट बात बता नहीं पाते हैं कि मेरा लाइफ का ये सबसे बड़ा फेलियर रहा है या वो सबसे बड़ा फेलियर रहा है। अपने फेलियर्स को रिकाउंट नहीं कर पाते हैं मेजॉरिटी बच्चे, और उसका कारण ये है कि फेलियर देखा ही नहीं है, क्योंकि चैलेंजिंग टास्क कभी टेकअप किए नहीं हैं। तो क्योंकि फेलियर को हैंडल करने की हैबिट नहीं होती है, ये जो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाने से जो माइक्रो फेलियर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर टेस्ट्स होते हैं तो थोड़े मैक्रो फेलियर, बड़े फेलियर आते हैं। बच्चों के कई बार बहुत लो मार्क्स आते हैं हमारे टेस्ट्स में। तो ये फेलियर्स जो हैं ये बच्चों को एकदम जिसे कहते हैं ना डीमोटिवेट कर देते हैं। आई डोंट लाइक द वर्ड डीमोटिवेट, बट इट ब्रिंग्स देम डाउन, इट मेक्स देम यू नो दीज मेक दीज फेलियर्स मेक स्टूडेंट्स फील वेरी लो अबाउट देमसेल्व्स, और बहुत जल्दी उनको मन में ये फीलिंग आ जाती है दैट परहैप्स यू नो आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, ये मेरे बस की चीज़ है नहीं। तो जेई नीट की तैयारी करना शुरू करने के करीब एक दो महीने के अंदर अंदर मेजॉरिटी बच्चों में, मे बी 80-90% बच्चों में ये फीलिंग आ चुकी होती है कि ये काम मेरे बस का ही नहीं है। एंड व्हेन दे फील के ये काम बस का नहीं है, ये फेलियर्स छोटे छोटे जो शुरुआत में मिले इन्होंने ही उनको इतना लो करा दिया कि अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये अब नहीं होने वाला है, तो वो दे मे कीप गोइंग थ्रू द मोशंस, क्लासेस में आते रहते हैं, दे हैव देयर फन विद फ्रेंड्स, गो बैक होम एंड नेवर रियली डू एनीथिंग, दे आर नेवर रियली इन द रेस। और इस रेस से बाहर होने के पीछे एक सिंपल सा कारण है कि उन्होंने फेलियर को हैंडल करना नहीं सीखा। कुछ बच्चे जो फेलियर को हैंडल अच्छे से कर पाते हैं वो इस प्रोसेस में परसिस्ट कर पाते हैं। सो परसिस्टेंस ऑफ्टन कम्स डाउन इन माय ओपिनियन टू यू नो द एबिलिटी टू हैंडल माइक्रो एज वेल एज मैक्रो फेलियर्स। माइक्रो फेलियर्स क्या है, क्वेश्चन नहीं हुआ, मैक्रो फेलियर क्या, टेस्ट में मार्क्स कम आ गए एटसेट्रा। तो इन फेलियर्स को हैंडल करने की एबिलिटी की जो कमी है उसकी वजह से बच्चे परसिस्ट नहीं कर पाते, और परसिस्ट नहीं करने का मतलब है कि सिलेक्शन ना होना। तो ऐसा मैंने बहुत देखा है कि एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे जो जिनके मन में सेल्फ डाउट्स इस तरह के नहीं होते वो कई बार सक्सीड कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कई बहुत ब्राइट बच्चे जिनके मन में डाउट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, दिमाग ज़्यादा होने से दिमाग में डाउट्स भी ज़्यादा होते हैं, सेल्फ डाउटिंग की हैबिट भी ज़्यादा होती है, बिकॉज व्हेन यू आर मोर यू हैव मोर आईक्यू यू थिंक मोर, एंड व्हेन यू थिंक मोर यू गेट मोर सेल्फ डाउट्स। तो कई बार ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे पीछे रह जाते हैं, और उनके कंपेरिजन में लोअर आईक्यू वाले बच्चे जो कि इन फेलियर्स से शायद उतना इफेक्ट नहीं होते, उनके इतने दिमाग में सेल्फ डाउट्स कम होते हैं, दे आर एबल टू यू नो हैंडल फेलियर बेटर एंड सक्सीड मोर इन दी एंट्रेंस एग्जाम एंड इवन इन जनरल इन लाइफ। आप शायद देखेंगे कि कई बार बहुत हाई आईक्यू वाले इंडिविजुअल्स लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कंपैरेटिवली लोअर आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज उनका ईक्यू ज़्यादा है, इमोशनल कोशंट ज़्यादा है। और यह इमोशनल कोशंट से मेरा एक मेजर मतलब ये है कि फेलियर को हैंडल करने की एबिलिटी। आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जो हायरिंग होती है
लोगों को हायर किया जाता है फॉर हायर पोजीशंस, फॉर लीडरशिप पोजीशंस, तो ये देखा जाता है इंटरव्यूज़ में कि इस इंडिविजुअल ने फेलियर कितना देखा है और उस फेलियर को हैंडल कैसे किया है। अगर ऐसे कैंडिडेट्स उन्हें मिलते हैं जिन्होंने फेलियर हैंडल नहीं किया है तो उनको अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो कैंडिडेट्स को लिया जाता है, उन कैंडिडेट्स को लिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर्स को हैंडल किया है, वो फेलियर के बाद गिरे हैं और फिर उठ खड़े हुए और उस एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि गलतियां क्या नहीं करनी हैं और भविष्य में चल के वो बेहतर अपने आप को बना पाए। तो फेलियर को हैंडल करने की जो ये एबिलिटी है ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि की एबिलिटी है लाइफ में सक्सेस पाने की। और जेई नीट लाइफ का ही हिस्सा है, ये कोई अलग चीज़ें तो है नहीं। इनमें भी सक्सेस पाने के लिए फेलियर को हैंडल करने की एबिलिटी ये आप अपने अंदर लाइए। बिकम लेस सेंसिटिव टू फेलियर, डोंट लेट इट ब्रिंग यू डाउन, बट व्हेन यू फेल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड मूव ऑन। दैट्स माई एडवाइस एंड दैट्स वॉट विल मेक यू परसिस्ट फॉर दोज 2 years और 3 years और whatever the length of your preparation is. So, learn to handle your failures well and you will find huge success. Because failures ke bina aap successful ho hi nahi sakte hain. Jo, for example, JEE ya NEET mein problem solving ka process hai. Problem solving mein aap achhe kaise honge? Jab aap bahut baar problem solve karte huye fail honge. Aur fail hone ke baad aap har failure se seekhenge, behtar honge, हर बार अपनी गलतियों को हटाएंगे, सुधारेंगे और फिर बेहतर होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। दैट इज़ हाउ यू गेट बेटर। सो ये तो बेहतर होने का प्रोसेस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो तो है ही ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस। उसमें एरर करेंगे, ट्राई करेंगे, एरर होगा, एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। दैट इज़ हाउ यू गेट बेटर एंड इफ़ यू डोंट डू दिस you are not going very far. So, please learn this. It's a very, very basic fact of life. Agar aap failure handle karna seekh jayenge, to bahut bada bada success aapka intezaar kar raha hai. So, please learn to handle failure. Bye-bye. All the best. And if you think I said something interesting and useful in this little chat, please consider liking this video and sharing it with your friends. Also, hope you care to subscribe to this channel. Thank you all for listening. Bye-bye for now. Let's meet again.